गोरखपुर रेंज के चारों जनपदों में दिवाली व छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस की तैयारी पूरी हुई, जिसके संबंध में डीआईजी जी रविंद्र गौड़ ने बताया कि जनपद में दिवाली व छठ पर्व को संपन्न कराने के लिए रेंज के सभी जनपदों में पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो दिवाली पर अस्थायी रूप से पटाखों का दुकान लगाने वाला है उसका सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग जो कि मार्केट में खरीदारी के लिए जाएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए मार्केट में पुलिस को तैनात किया गया है जो कि लोगों पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि छठ पर्व, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, मूर्तियों का स्थापना व विसर्जन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। डायल 112 भी भ्रमणशील रहेगी। सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त करेंगे। इसके अलावा फायर विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि वह अलर्ट पर रहे, क्योंकि दिवाली में आग लगने की संभावना अधिक रहती है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार डायवर्जन भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने कहा, देखिए आगामी जो महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं, एक दिवाली और उसके साथ साथ छठ तक हमारे पूरी व्यवस्था तैयार है। हम लोग जो अस्थायी रूप से पटाखों के दुकान है उनके सत्यापन कर रहे हैं और इन दिनों में बहुत लोग मार्केट्स में खरीदारी करेंगे, उनकी सुरक्षा की भी बात उठती है और यातायात व्यवस्था की, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज और मूर्तियों का स्थापना, उनका विसर्जन, इसके पूरे लगातार अगले 10-15 दिन के लिए हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और हमारे सारे टीम्स, हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, हमारे UP 112 के गाड़ियाँ हैं, उनको भी हम लोग रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पैदल गश्त करेंगे हमारे लोग, सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे फायर सर्विसेज के सारे जो सिस्टम हमारा है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। सर, यातायात व्यवस्था को लेकर क्या जरूरत पड़ने पर डाइवर्जन भी किया जा सकता है? सिटी में जो यातायात व्यवस्था के लिए SP सिटी और SP ट्रैफिक दोनों मिलकर एक योजना बनाएं, आज शाम को आप लोगों से वो शेयर करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम दिक्कत पब्लिक को उठाना पड़े, हमारे जो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे जो आवश्यक कदम है वो उठाया जाएगा।